बीपीएससी द्वारा आयोजित पंचायती ऑडिट अवसर का रिजल्ट आ चुका है। नालंदा सिविल सर्विसेज के छात्र और छात्राओं ने लार्ज स्केल में सफलता हासिल की है। उसमें राकेश कुमार, जिन्होंने रैंक प्राप्त किया है, आज संस्थान में अपना खुशी का इजहार करने के लिए आए हैं। हम राकेश जी से जानना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा नाम राकेश है और अभी जो बिहार पंचायती राज ऑडिट ऑफिसर में मेरा रैंक 193 आया है और उसके साथ ही मैंने उसमें अभी मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस दरमियान आप लोग के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त की। राकेश जी, ये बताइए कि आपने तैयारी के दरमियान क्या क्या कठिनाई हासिल की है जो आज के स्टूडेंट को और वो कठिनाई को हासिल नहीं करना पड़े, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले सर, जो हर स्टूडेंट अपने आप में कब पढ़ाई के दौरान में संघर्ष की स्थिति से गुजरते हैं, उन्हीं स्थितियों से मैं भी गुजरा, लेकिन कोचिंग के मार्गदर्शन में, आप लोग के मार्गदर्शन में मुझे इस संघर्ष को कम करने में सफलता मिली। और नए कैंडिडेट से जहाँ तक मेरा यही उम्मीद है और उन लोग को मैं कहना चाहूँगा कि अपने संघर्ष के दिनों में उन संघर्ष से कुछ सीखे और सर लोग के मार्गदर्शन में हमेशा उन लोग के मार्गदर्शन में रहें ताकि उन संघर्ष को पार पाने में आसानी हो और यही सफलता के सर मूल मंत्र है मेरे लिए। नालंदा सिविल सर्विसेज हमेशा से प्रयास करता रहा कि हम यहाँ के छात्र एवं छात्राएँ अव्वल दर्जे किसी भी कमीशन में लाएं, तो आपने सफलता हासिल की है। यहाँ इंटरव्यू बोर्ड का आपके करियर या सफलता में क्या योगदान है? इंटरव्यू सर, हम जानते हैं कि मेंस के बाद बहुत अहम पहलू है और उसमें नंबर लाने हैं और यहाँ के इंटरव्यू बोर्ड में सर अधिकांश तो वही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए जो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू में फेस करना पड़ा, तो उससे मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो कोचिंग में मुझसे पूछा जाता था। तो इंटरव्यू प्रैक्टिस यहाँ के बोर्ड द्वारा काफ़ी अच्छा कंडक्ट किया गया और इससे मुझे बहुत मदद मिली वहाँ पर सफलता प्राप्त करने में। अच्छा राकेश जी, आपने ऑडिट अफसर का तो एग्जाम पार कर लिया, सफलता हासिल की, आगे आपका लक्ष्य बीपीएससी और यूपीएससी है, तो उसमें आप किस तरह से अपने को तैयार कर रहे हैं ताकि संस्थान का और नाम ऊंचा हो सके? मेरा सर सबसे और अहम और पहला प्रयास बस यही है कि ये एक सफलता है जो अभ्यर्थक के तौर पर मैंने प्राप्त किया, लेकिन जो मेरा आगे का जो उम्मीद है, आगे का जो सोच है, उसको अपने में बसाए रखना और इसकी खुशी को अपने ऊपर हावी ना होने देना। और सबसे बड़ा सफलता का यही मंत्र है कि हम बस अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें और कदम बाई कदम आगे बढ़े जिससे हमको सफलता प्राप्त करने में, जो हमारा सपना है, उस तक पहुँचने में मदद मिल सके। आपने लगन और मेहनत से बहुत ही कामयाबी हासिल की है, संस्थान का भी योगदान रहा है, लेकिन आपकी सफलता का श्रेय आपका मेहनत, आपके लगन और सारे कलीग और सारे संस्थान के लोगों का है। तो आप आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं कि संस्थान उनको किस तरह से मदद करता है ताकि वो लोग लाभान्वित हो सके? अपने सर कलीग भाइयों से बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि वो लगातार तैयारी में लगे रहें, सिलेबस के अनुरूप तैयारी करते रहें और हमेशा सर लोग के मार्गदर्शन में रहें। इन लोग का मार्गदर्शन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अहम पहलू होता है और इन लोग के मार्गदर्शन में ही जहाँ पे गलत होते हैं सही करने का मौका मिलता है। हमें अपनी खामियों में नहीं पता चल पाता है, लेकिन इन लोगों को सर लोग को पता चलता है, जो एक बहुत फायदेमंद कदम है। इसलिए सर लोग के मार्गदर्शन में हमेशा तैयारी करना चाहिए, 2 दिन बाद ही सही लेकिन रिजल्ट सर जरूर आएगा और आता भी है, मैंने देखा है और मैंने खुद महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने अपना मूल्यवान समय बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए या किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे उसके लिए आपने गाइडलाइन तैयार किया है और दिया है। संस्थान भी हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।